हेलो गाइस एंड वेलकम टू द व्लॉग। सो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हमारी कमेंट सेक्शन भर गया है। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा तो हमने सोचा कि हम इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कि जो मोटर होम्स होते हैं क्या वो इंडिया में लीगल हैं। तो उसका जवाब ये है कि आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बेसिकली मोटर होम होता क्या है। वो होती है रिक्रिएशनल व्हीकल्स, ठीक है। उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन क्या होती है, टैक्स का क्या हिसाब किताब है अलग स्टेट में, पुलिस किस हिसाब से रिएक्ट करती है, ये सारे टॉपिक्स हम आज यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरवी होता क्या है। आरवी का फुल फॉर्म है रिक्रिएशनल व्हीकल। तो रिक्रिएशनल व्हीकल का मतलब ये हुआ, पहला वर्ड है जो रिक्रिएशनल, मतलब रिक्रिएट करना। एक चीज़ जो कंपनी से आई है, कोई व्हीकल आया है जैसे ये आया है, इसको हमने रिक्रिएट किया है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें सारा सेटअप लगा हुआ है, जबकि इसमें पहले 7-सीटर फॉर्च्यूनर थी ये, बट हमने इसको रिक्रिएट किया है अपने हिसाब से। तो इसको कहते हैं आरवी, जहां आप खुद रिक्रिएट करते हो एक व्हीकल को। अब बात आती है कि आरवी लीगल है कि नहीं। तो आरवी बिल्कुल लीगल व्हीकल है, और इसको कैसे आगे रजिस्टर करना है उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करते हैं। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, रिक्रिएशनल व्हीकल का एक और एग्जांपल है। ये नहीं कि सिर्फ कैंपिंग वैन्स रिक्रिएशनल व्हीकल कैटेगरी में आती हैं। बॉलीवुड में आप जानते हो या फिर टीवी इंडस्ट्री में आप जानते हो कि वो लोग वैनिटी वैन में बैठते हैं, जहां पर उनके पास टॉयलेट का सेटअप, बेड, सिटिंग कैपेसिटी होती है उनके पास, और उनके पास प्रॉपर मेकअप करने के लिए एक स्टूडियो बना होता है अंदर। तो वो भी आरवी कैटेगरी के अंदर ही फॉल करता है, जिसको हम वैनिटी वैन के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू रजिस्टर आरवी। जो आपने व्हीकल रिक्रिएट किया है उसको आप रजिस्टर कैसे करोगे? तो आप अपने जो लोकल आरटीओ है आपका, वहां पर आप अपने व्हीकल को लेकर जाएं। और जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत पॉपुलर नहीं है इंडिया में, या फिर ये कम्युनिटी अभी बिल्कुल जिसे कहना ना रेज कर रही है, ज़्यादा लोगों को इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। इवन आरटीओ में भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो आपको कई लोग आपके सामने, कई वर्कर वहाँ पर ऐसे होंगे जो आपको अलग अलग सजेशंस देंगे कि आप इसको वैनिटी वैन बनाना चाहते हो, आपकी कैपेसिटी टू, कई लोग आपको ये सजेशन देंगे कि आप 2+D करा लो, यानी दो पैसेंजर हो गए एक ड्राइवर हो गया। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने अपने कितने पैसेंजर विद ड्राइवर अपनी गाड़ी में बिठाना है, यानी कि किसी के सजेशन पे नहीं जाना है। आपकी प्रायोरिटी क्या है उस हिसाब से उनको फोर्स करो कि हमको ऐसा रजिस्ट्रेशन करवाना है जिसमें 4+D 5+D आपकी गाड़ी बड़ी है, 7+D पे भी जा सकते हो आप। तो किसी भी चीज़ को लेकर किसी के द्वारा दिए गए परामर्श या सजेशन को सीरियस ना लें, अपना खुद की जो प्रायोरिटी है उसको आगे रखें। और ये चीज़ बहुत डिफ़र करती है, हर स्टेट में आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलेंगे, हर स्टेट के आरटीओ में, हर शहर के आरटीओ में आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि अभी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। पर नीला आसमान, नीचे डेजर्ट। सो गाइस आई एम सॉरी कि जंगल में हम लोग, तो थोड़ी चीची की आवाज आ रही है, तो ये आपको हमारे साथ बियर करना पड़ेगा। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि इस जो नंबर प्लेट लगती है हमारी गाड़ी में वो कैसी हो, उसका कैसे पता लगे कि किस टाइप की नंबर प्लेट लगेगी। ओके, सो अगर आप प्राइवेट यूज के लिए ले रहे हैं अपनी गाड़ी को, कि हाँ आपने अपनी फैमिली को घुमाना है, खुद घूमना है, तो गो फॉर अ वाइट नॉर्मल प्लेट जो आपकी गाड़ियों में कंपनी से लगी हुई आती है, ठीक है। बट अगर आप मान लो कि आपने गाड़ी को कन्वर्ट कराया है, रिक्रिएट करवाया है, मॉडिफाई करवाया है अपने कमर्शियल यूज़ के लिए, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ का काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो गो फॉर अ येलो प्लेट, क्योंकि आप उसको अपने खुद के यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको एज अ टूरिस्ट व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हो, तो गो फॉर येलो प्लेट। अब यहाँ पे बात आती है कैपेसिटी की, सिटिंग कैपेसिटी की, कि भाई सिटिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए गाड़ी में, कितने बंदे बैठ सकते हैं, ये आपको नहीं पता, क्योंकि कभी कभी हम इंडियंस की आदत है गाड़ी में ठूस लेते हैं हम लोग, तो
वो आपको बिल्कुल नहीं करना, वो आपको डिपेंड करता है पूरा कि आपकी गाड़ी कौन सी है, ठीक है, उस गाड़ी का बेस क्या है। तो सिटिंग कैपेसिटी बेसिकली डिपेंड करती है गाड़ी के बेस पे। हम हाथी की सवारी भी करना पसंद करेंगे। सो गाइस, दिस इज अमेर फोर्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब आप एक कैंपर वैन बनाने के बारे में सोचते हो, सबसे ज़रूरी पार्ट ये है कि वो गाड़ी आपकी आपने रजिस्टर करानी है RTO में। तो इसमें एक मैं एग्जांपल दूंगा। RTO में जाने से पहले एक एग्जांपल लेके जाओ आप। जब आप एक प्लॉट खरीद लेते हो, यानी कि बेस मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदते हो, तो उसका आप एक नक्शा बनाते हो। मकान बनाने से पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, वो आपका एक मैप तैयार करता है, फिर आप उसको टिक लगाते हो कि हाँ भाई ये मैप हमें पसंद है, आपने उसको पास कर दिया, फिर आपका मकान बनता है। ठीक इसी तरीके से आपने जाना है RTO में और उनको जाके ये बताना है कि आपका जो प्लॉट खरीदा है आपने, यानी आपका बेस व्हीकल, आपकी जो चेसिस है, जिस चेसिस पर आप अपना RV तैयार करने जा रहे हो, RV मीन्स कैंपर वैन, कुछ भी हो सकता है, मोटर होम, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आप उसको जानकारी दोगे, यानी कि प्लॉट का पूरा मैप बनाकर कि आपने उस गाड़ी में किस जगह बाथरूम लगाना है, किस जगह विंडोज छोड़ी हैं, किस जगह सिलेंडर रखा है, किस जगह आपने बेडिंग की है, सारा एक मैप बना के आप RTO में सबमिट कर दीजिए। उसके बाद RTO आपको 4 से 5 महीने का टाइम देगा। उस 4 से 5 महीने के टाइम में आपने जो चेसिस यानी जो प्लॉट आपके पास पड़ा है उसके ऊपर उस दिए गए मैप के अनुसार अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, यानी अपने सेटअप उस गाड़ी के ऊपर आपने बनाना शुरू करना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, सब कुछ बना बना के चले जाते हैं, सर ये पास कर दीजिए, तो वो कहते हैं भाई निकलो, कुछ नहीं बन सकता। पता लगा आपने वो उठाई टाटा की कोई टेम्पो उठा ली या महिंद्रा की कोई छोटी मोटी गाड़ी उठा ली, ये तो बड़ी सस्ती मिल गई, बनाए ये अपनी मर्जी से, तो उठा के चले गए आप, तो उसके बाद आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती। यानी कि ये क्लियर कर लो कि कोई भी ऐरी गैरी गाड़ी उठा के आप कैंपर वैन में रजिस्टर कर लोगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो जो 4-5 महीने का टाइम मिला उसमें आप अपनी गाड़ी बनाइए, और उस 4-5 महीने के बाद दोबारा जब RTO में आप जाएंगे तो वो जो आपने मैप सबमिट किया था, अब वो क्रॉस चेक करेंगे, ऐसे आपका मैप पकड़ेंगे और गाड़ी में देखेंगे कि जैसा जैसा आपने बताया था क्या वैसा वैसा ही सब कुछ हुआ है, और उस सारे काम में कहीं भी आपकी सिक्योरिटी से कोई समझौता हुआ है या नहीं। अगर सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हुआ है तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। पानी में सूरज की जो रिफ्लेक्शन आ रही है कितनी अच्छी लग रही है। सो बेसिकली आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि आप कोई भी गाड़ी उठा के ले जाओगे तो वो कैंपिंग वैन बनने वाली नहीं है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस में सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई गाड़ी जब आपने रजिस्टर करा ली, सब कुछ करा लिया, उसके बाद क्या करते हो, आपके पास कोई गाड़ी, फॉर एन एग्जांपल स्कॉर्पियो है, 2000 CC प्लस कुछ होता है उसका, 2500 या 2200 CC का इंजन होता है उसके ऊपर। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर आइए, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बेसिकली जब मैंने अपनी गाड़ी तैयार की थी, सबसे पहले मैंने ये सेटअप तैयार किया था, सिर्फ किचन सेटअप, उसमें ना ये वाटर टैंक था और ना इसके अंदर ये साइड पे जो कैबिनेट्स बने थे ना ये थे, ना ही इसके अंदर इतना बेड सेटअप था, सिर्फ और सिर्फ किचन सेटअप था। तो प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है आपको, जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपने एक फुल फ्लेज्ड कैंपिंग वैन बनानी है, तो आप शुरू करते हो किचन से, फिर उसके बाद जाते हो बेड पर, उसके बाद जाते हो टॉयलेट सेटअप पर, उसके बाद शायद किसी अलग अलग सेटअप को बढ़ाते जाते हो, और फाइनली आप क्या डिसाइड करते हो, हमने रूफ टॉप टैंक लगाना है, फिर आप क्या डिसाइड करते हो, हमने वाटर टैंक लगाना है 50 लीटर्स। तो ये सब बताने का मतलब ये हुआ कि आपने शुरू किया, गाड़ी पे वेट डाला कितना, 20 kg, फिर उसके बाद आपने क्या किया, +20, फिर उसके बाद आपने क्या किया, +50, फिर उसके बाद क्या किया, रूफ टॉप टेंट अनदर +50, टैंक अनदर +20। तो आप इतना लोड डाल रहे हो अपनी गाड़ी के ऊपर, तो मेक श्योर कि जब भी आप गाड़ी के ऊपर लोड बढ़ाते हो तो आपको अपनी गाड़ी की लोड कैपेसिटी और इंजन पावर के बारे में बखूबी पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे दोस्त, जब ऐसी चढ़ाई पर ऊपर जाएगी ना गाड़ी सीधी, तो आपको वो पावर नहीं मिलने वाली, और गाड़ी की स्टेबिलिटी, स्पेशली जब आप RTT लगाते हो रूफ टॉप टेंट, तो आपको वो वाली स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी।
Cheers to camper. So guys, अब करते हैं बात टोल टैक्स और डीएल. व्हाट अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस? ऐसी गाड़ियों के लिए आपको कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और इसके लिए आपको कोई टैक्स या टोल टैक्स कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है या नहीं? तो अभी बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की. ड्राइविंग लाइसेंस आप अगर हैवी चेसिस पे जाते हो, यानी कि ट्रक, और अगर आप ऐसी चेसिस पे जाते हो जैसे कि हमारी गाड़ी हो गई, या फिर फोर्स का जो ट्रैवलर गाड़ी आती है, टेम्पो ट्रैवलर, वो आता है, देन यू डोंट नीड एनी स्पेशल लाइसेंस. आपको जो LMV है, लाइट मोटर व्हीकल, जो फोर व्हीलर्स के लिए होता है, वो ही चलेगा. किसके लिए? फोर्स ट्रैवलर एंड फोर्स ट्रैवलर टाइप ऑफ व्हीकल्स, और आपके पास कोई भी SUV या अपनी पर्सनल कार है, उसके लिए यू कैन गो फॉर LMV, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस. और अदर ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर आप बड़ी हैवी चेसिस पे अगर आप जाते हो, लाइक ट्रक्स, जिसपे आप ओवरलैंडर ट्रक बनाते हो, उस पर स्पेशली आपको एक बड़ी कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए होगा. वो आप अपनी RTO से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए होगा. तो अब बात करते हैं टैक्स की. आपको ऐसी गाड़ियों के लिए कोई स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? तो फॉर्चुनेटली आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपको अगर ऐसे SUVs, आपको पता है इनका ये तो SUV है, इसका तो नॉर्मली कार वाला टैक्स ही कटेगा, बट अगर आपके पास टेम्पो ट्रैवलर साइज की गाड़ी भी है तो एक खुशखबरी और, उसका भी टैक्स कार वाला ही कटता है. बट अगर आप एक जैसे एक बस हो गई या एक ट्रक हो गया, उसके लिए जाते हो, तो आप ये लगा के चलो उसका जो टोल टैक्स है वो कार से डबल होता है. दैट्स इट. सो गाइज, आई होप कि आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो, बहुत सारे लोगों का जो सवाल थे वो सारे आज हमने जवाब दे दिए, और बहुत ही डिटेल से बहुत सर्च करने के बाद हम लोगों ने ये जवाब आपको दिए हैं. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट उनसे भी जो फ्यूचर कैंपर्स बनना चाहते हैं और जो भी आपसे इस बारे में सवाल पूछते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. और यहाँ पे हम क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, स्पेशली एक चीज़ याद आ गई मुझको, अगर स्टिल कोई चीज़ छूटी है तो प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, हम उसका रिप्लाई कर देंगे. सो और मैं लास्ट में कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच गाइज, क्योंकि देयर इज अ बिग ग्रेट न्यूज़. दो हमने उस कम्युनिटी पोस्ट डाली है, बट पर्सनली भी हम आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थैंक यू करना चाहते हैं कि नाउ वी आर फैमिली ऑफ 5,000 सब्सक्राइबर्स. ये वो एक्चुअली मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता था, बट मैं इसलिए नहीं कर पाया कि जब मैं रात को सो रहा था तो कुछ 4,000 प्लस कुछ थे, 4,900 कुछ थे. रात सुबह उठा, जैसे ही फोन उठाया, सीधे 5,019 कुछ ऐसे दिखा था. सो थैंक्स अ लॉट. लेकिन इसकी सेलिब्रेशन बनती है, उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों की ही सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है.